हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कंपैरिजन करेंगे रियलमी नार्जो 20 प्रो में और ओप्पो रेनो 2 एफ में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले से। रियलमी की है 6.5 इंच की, रेजोल्यूशन है 1024x2400 और इसमें IPS एलसीडी डिस्प्ले का यूज किया गया है और इसमें आपको पंच और डिस्प्ले भी दी गई है। और ओप्पो का जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच की है, रेजोल्यूशन है 1024x2340 और इसमें एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है और इसमें आपको कोई भी नॉच नहीं दी गई, इसमें आपको पॉप कैमरा दिया गया है। बात करते हैं प्रोसेसर की। रियलमी का है मेटेक का G95 का, सीपीयू है 2.05 GHz ऑक्टे कोर का और इसमें 12 nm का फिनफैट और इसका GPU है G76 है MC4 का। और ओप्पो का जो प्रोसेसर है वो मेटेक है P70 का, सीपीयू है 2.1 GHz ऑक्टे कोर का और इसमें 12 nm का फिनफैट और इसका GPU है G72 है MP3 का। प्रोसेसर के मामले में रियलमी आगे हैं। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियलमी का 110 और ओप्पो का 109। बात करते हैं बैक कैमरा की, तो दोनों का सेम है, क्वाड में दिया गया है 40+8+2+2 MP का। बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की, तो दोनों का सेम है, 16 MP का दिया गया है। बात करते हैं बैटरी की, तो रियलमी में है 45 mAh की और ओप्पो में है 4000 mAh की और दोनों फोन बैटरीज नॉन अवेल हैं, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात कर लेते हैं चार्जर की, तो रियलमी में है 65 वाट का फास्ट चार्जर और ओप्पो में है 20 वाट का और दोनों फोनों में टाइप्स का सपोर्ट दिया गया है। और चार्जर के मामले में रियलमी आगे हैं। बात करते हैं सिम की, तो आप दोनों फ़ोन में दो सिम और 7 mAh का डालते हो, ट्रिपल सिम का ऑप्शन दिया गया है, कनेक्टिविटी 3G 4G की दी गई है, वारंटी सिम 1 साल की, फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफिशियल दोनों फ़ोन में दिया गया है। बात करते हैं कलर की, तो रियलमी में है वाइट और ब्लैक और ओप्पो में है वाइट और ग्रीन और दोनों में आपको फ्रंट में ग्लास दिया गया है। बात करते हैं रैम की, दोनों में सेम है, 6 GB और 8 GB की दी गई है। बात करते हैं मेमोरी की, तो रियलमी में 64 GB 128 GB की और ओप्पो में 128 GB की। बात करते हैं कंक्लूजन की, तो रियलमी में दिया गया है 65 वाट का फास्ट चार्जर और मीडियाटेक G95 का प्रोसेसर और ओप्पो में दी गई है एमोलेड डिस्प्ले और पॉप कैमरा। तो फिर आपको दोनों फोन से कौन सा फोन पसंद है कौन में जरूर बताना। अगर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बड़े लेनी है, पॉप कैमरा लेना है, तो आप ओप्पो के साथ जा सकते हो। अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट लेना है, बड़ी सी बैटरी लेनी है, तो आप रियलमी के साथ जा सकते हो।